आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो लगभग हर उम्र के लोगों में आजकल देखी जाती है। खर्राटों की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ना केवल आपकी लेकिन आपके बगल में जो सोता है उसकी भी नींद ख़राब कर देती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। खर्राटों की समस्या एक ऊर्ध्व जत्रुगत विकार है। कई बार स्लीप एपनिया, मुंह से सांस लेना इसके कारण होते हैं, लेकिन आज हम इसके रूट कॉज का जो मेन दोष होता है इसमें इन्वॉल्व यानी कि वात दोष, उसकी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है, सबसे पहले आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे? प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, कपाल भाती प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छे हैं। प्राणायाम के ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक करना मत भूलिएगा। उसके बाद आप गंडुश यानी कि ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग के बारे में हम सबने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन इसको भी करने का एक सही तरीका होता है। सबसे पहले हम कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। हमें सबसे अच्छा तेल जो ऑयल पुलिंग के लिए बताया गया है वो सेसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल होता है, और तिल का तेल भी आपको वही इस्तेमाल करना है जो हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड प्रेस्ड सेसमी ऑयल हो तो वो सबसे अच्छा होता है। नारियल के तेल का प्रयोग आपको नहीं करना है, किसी भी शीत वीर्य वाले ठंडी तासीर वाले तेल का सेवन आपको नहीं करना है इस प्रक्रिया में। अब ये प्रक्रिया कैसे करनी है? तो एक जगह आपको शांति से बैठना है, मुंह में तेल भरना है और उसको होल्ड करना है कम से कम 50 से लेकर 60 सेकेंड तक। उसको स्क्विश नहीं करना है यानी तेल को मुंह में इधर उधर घुमाना नहीं है, बस होल्ड करके बैठना है। उसके बाद तेल को स्पिट करके गर्म पानी से आपको गार्गल कर लेना है। तो ये जो गंडुश की प्रक्रिया होती है हमारा जो तालु भाग होता है उसको बल देती है, हमारी जीभ को बल देती है, जितने भी तरह के ऊर्ध्व जत्रुगत विकार होते हैं उनको दूर करती है, क्योंकि ये मुँह के अंदर की ड्राइनेस को दूर करती है। उसके बाद आपको नस्य करना है। नस्य का मतलब होता है नाक के अंदर तेल डालना। कई लोग इस प्रक्रिया के लिए कच्चे तेल का प्रयोग करते हैं जैसे कि सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आप नस्य के लिए ऐसे तेलों का प्रयोग करेंगे जो नस्य के लिए बनाए गए हैं, जैसे अणु तेल हुआ, पंचेंद्रिय वर्धन तेल हुआ या फिर षडबिंदु तेल हुआ, तो आपको इनसे ज़्यादा लाभ होगा। तो गंडुश की प्रक्रिया के बाद आपको लेट कर या फिर आप एक जगह बैठ कर थोड़ा सा अपने सिर को टिल्ट करना है और दोनों नॉस्ट्रल्स में एक एक बूंद तेल डालना है। इस प्रक्रिया को आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर किसी को नई सर्दी हुई हो या नया बुखार आया हो जो 7 दिन से पुराना ना हो तो ये प्रक्रिया आपको उस समय नहीं करनी है। नस्य की जो प्रक्रिया होती है ऐसा बताया गया है कि जितने भी सेंस ऑर्गन से संबंधित, चाहे आँखों से संबंधित विकार हो, कान से संबंधित या नाक से संबंधित, नस्य की प्रक्रिया उन सब चीज़ों को दूर करती है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बल देती है। फिर अगर आपको खर्राटों की समस्या है तो आपको अपने स्लीप स्केड्यूल से भी रिलेटेड बहुत से चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि आपका जो बिस्तर हो वो एकदम साफ़ हो, आप सिर्फ उसका सोने के लिए प्रयोग करते हो, उस पर आप मोबाइल ना चलाएं या फिर उस पर आप कुछ खाएं पिए ना। उसके बाद सोते समय कभी भी पेट के बल नहीं सोना चाहिए, हमेशा लेफ़्ट साइड मतलब बाएं तरफ करवट लेकर ही सोना चाहिए। ऐसा भी पाया गया है कि जिन लोगों में मोटापा यानी कि ओबेसिटी होता है उन लोगों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, खर्राटों की समस्या। तो इस चीज़ को कम करने के लिए अपने खान पान पर भी विशेष रूप से ध्यान दें, व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इन सब चीज़ों से धीमे धीमे कर आप खर्राटों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जिन भी लोगों को खर्राटों की समस्या है उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।